हमारे नौजवान पढ़ लिख करके सड़कों में डिग्री लेकर के भटक रहे हैं और यहाँ पर बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों से ला करके रोजगार दिया जा रहा है। आज कहाँ जाएंगे हमारे पढ़े लिखे नौजवान लोग? आज आपने टीचर की बहाली देखी, अभी हाल में कल परसों जेपीएससी का एग्जाम हुआ। ये जेपीएससी का एग्जाम उदाहरण बनेगा, इस देश में पहला उदाहरण बनेगा जहां पर 350 सीट के लिए लगभग 27,000 लोग नौजवान मेंस में एग्जाम दिए। ऐसे ऐसे लोग एग्जाम दिए हैं जिन्होंने फॉर्म भी नहीं भरा उसका भी एग्जाम हो गया, जो फेल हो गया उसका भी एग्जाम हो गया, पीटी में जो लोग पीछे रह गया। कुल मिलाकर के हमारे फिर से यहाँ के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। और मुझे पक्का पता है उन 350 सीट लगभग जो रिक्त जिनके लिए ये नियुक्ति हो रही है उसमें 50 से 60 लोग ऐसे हैं जो बैक डोर से घुसने का काम कर रहे हैं, या तो पदाधिकारी के रिश्तेदार हैं या मौजूदा सरकार के मंत्री और विधायक के पुत्र लोग हैं, उनके रिश्तेदार लोग। बड़े पैमाने पर पैसा का लेन देन हो रहा है, करोड़ों रुपया में सीट का सौदा किया जा रहा है और हमारे यहाँ के मूलवासी आदिवासी करोड़ रुपया कहाँ से लाएंगे? आज इसलिए हमारे नौजवानों को भी ये समझना पड़ेगा कि मौजूदा सरकार किस तरीके से आपके साथ छिड़वाड़ कर रही है।